जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकान में दरार के बाद तबाही की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें तैनात, घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। दरारों के चलते दहशत में। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में 7 विधायक बने मंत्री। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने शपथ दिलाई। पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य भी कैबिनेट में शामिल हुए। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में गहराया प्रदूषण का संकट। दिल्ली में 443 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। विजिबिलिटी हुई 100 मीटर से भी कम। बर्फ की सफेद चादर में ढका जम्मू कश्मीर। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली के कंझावला केस में आरोपियों का बड़ा कबूलनामा। कार के नीचे आई थी अंजलि, इस बात से वाकिफ थे आरोपी। डर की वजह से भगाते रहे गाड़ी। इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे औपचारिक शुभारंभ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को हिंदुस्तान की चुनौती। भारत और जापान की वायुसेना अगले हफ्ते करेगी संयुक्त युद्धाभ्यास। 12 से 26 जनवरी तक चलेगी वीर गार्जियन 2023। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। टारगेट अटैक के बाद से आतंकियों का तलाश जारी है। संदिग्ध घरों की तलाशी भी ले रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। राजौरी हमले में शामिल थे 2 माओवादी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से बढ़ी मुसीबत। कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली में 20 फ्लाइट्स लेट। कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की 42 ट्रेनें लेट।